हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 4 और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस या कहे तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो, आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है बिजनेस का वो काफी कॉम्पिटिटिव है। हर एक जगह में देखना जिस भी लेवल का बिजनेस हो, कॉम्पिटिशन बहुत पीक लेवल पे है। तो इसमें बिजनेस को खुद को अपने मार्केट पोजीशन में स्टेबल रखने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम वो आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है या बोले तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है वो क्या है। तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और सीबीएसई में भी ये बोला गया है कि मेनली तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले इकोनॉमिक या ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल, और तीसरा ह्यूमन और इंडिविजुअल या बोल लो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब सबसे पहला बात करते हैं कि बिजनेस को मार्केट में एग्जिस्ट करना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है। अब मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए उसे सबसे पहले अपने बारे में, मतलब बोले तो ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बोले तो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो ये है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या ऑब्जेक्टिव, सॉरी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेनली कितने टाइप के होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेनली तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है सर? सर्वाइवल का मतलब है, देखो, कॉम्पिटिटिव मार्केट में स्टैंड करने के लिए सबसे पहले मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, मतलब मार्केट में खुद को सर्वाइव करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो कोई आपसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपको आकर के डिफीट कर देगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? तो सबसे पहले बिजनेस का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कर ले, स्टैंड कर ले। जब वो मार्केट में स्टैंड करती है, देन उसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इन द सेंस ये ना हो कि ओवर प्रॉफिट, ओवर चार्ज प्राइस कर दिया, मतलब ओवर प्राइस में चार्ज कर दिया हम लोगों ने प्रोडक्ट को और प्रॉफिट कमा रहे, ना ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, आप अगर ओवर प्राइसिंग करते हो तो सीधी बात है जो कस्टमर्स है वो बेवकूफ है नहीं। कस्टमर क्या करेंगे, कस्टमर को पता चल जाएगा अरे ये प्रोडक्ट का तो मार्केट प्राइस कुछ और है, ये कंपनी कुछ और प्राइस ले रही है। तो वो बहुत सियाना चीज है। एक बार वो अगर बोले तो अगर आपसे बेवकूफ बन गया तो वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं, बिकॉज कस्टमर आर गॉड इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट जो होगा रीजनेबल बेसिस पे। ठीक है, आगे चल करके हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ। अब देखो, ग्रोथ होना, बिल्कुल बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है, अब ग्रोथ की तो बात होंगी ही होंगी। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले ग्रोथ के लिए, ग्रोथ बिजनेस ऐसे नहीं होता इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। ग्रोथ के लिए बिजनेस को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बिकॉज ये भी एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है। आप अपने आप को अगर इस पोजीशन में रखते हो तो कौन बिजनेस में नहीं चाहेगा कि अपने आप को एक्सपैंड करे, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करके उस चीज में स्पेशलाइजेशन ना ले ले, सब चाहता है। तो अब बिजनेस को ग्रोथ या एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट की जाती है। ये सारे अब ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड हो गए हैं, याद रखना। सिर्फ सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ नॉर्मली ऐसे नहीं हो सकता इस प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो को देख करके, ना उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं जो बिजनेस करते हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो में। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, सबसे पहला इनोवेशन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये होना बहुत जरूरी है। आप ग्रोथ तभी करोगे जब अपने आपके प्रोडक्ट को इनोवेटिव, हमेशा नया नया क्रिएटिव वे में आप कस्टमर के सामने प्रेजेंट करोगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगा, एग्जांपल की बात करते हैं, आज से ज्यादा नहीं 4 से 5 साल पहले चले जाओ, मार्केट में नोकिया कंपनी की जो सेल फोन्स थी, मतलब मोबाइल फोन्स थी, वो काफी ज्यादा फैली हुई थी। फिर क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन वो क्या हो गया, वो अपने आप में उसके जो बोले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाई, उस तरीके से क्रिएटिव प्रोडक्ट कस्टमर के सामने लेकर के नहीं आ पाई। इसलिए क्या हो गया, उसका जगह कौन लिया, उसके जगह सैमसंग आ गई। अब जब सैमसंग आ गई तो उसके बाद अब देखो, फिर सैमसंग का मार्केट को पकड़ने के लिए बहुत सारे मार्केट्स में और फोन आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए। तो धीरे धीरे इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कस्टमर बिल्डअप करना है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो अपने आप को इनोवेटिव और प्रोडक्टिव रखो। प्रोडक्टिव इन द सेंस, आगे चल करके हम लोग चलेंगे, इनोवेटिव और क्रिएटिव प्रोडक्ट लेकर के आओ, हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाओ। क्लियर है?
नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट स्टैंडिंग। ये क्या है? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है बोले तो सब में यूनिक बनना, ब्रांड बिल्ड करना। ब्रांड कैसे बिल्ड होगा? अब मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आपके जैसे लोग मतलब आपके बिजनेस के तरह तरह के प्रोडक्ट है, आपके जो प्रोडक्ट है लोगों के भी काफी प्रोडक्ट है मार्केट में, जो कंपटीटर जिसे हम लोग बोलते हैं। अब उसमें से अच्छा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारे मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा अपने आपको, एक ब्रांड नेम देना पड़ेगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें क्वालिटीज ये सारे मैटर्स करते हैं। बट ऑल दो मार्केट स्टैंडिंग में आपको ब्रांड बिल्डअप करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किस तरीके से आप मिनिमम इनपुट यूज करते हो अपने मटेरियल को बनाने में, ठीक है। मिनिमम इनपुट यूज करो, मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करो, ठीक है। और इन सब के बीच में जो रिडक्शन ऑफ क्या होगा, वेस्टेज होगा, या बोले तो मिनिमम वेस्टेज होना चाहिए, तब आप प्रोडक्टिव हो। मतलब सीधी सी बात है, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम वेस्ट करो और मैक्सिमम आउटपुट बनाओ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग कस्टमर। क्रिएटिंग कस्टमर, सोचो खुद के लेकर के, खुद को लेकर के आप कैसे कोई भी प्रोडक्ट को लोगे? सीधी सी बात है, आप उसके ब्रांड नेम को देखोगे। आपके सामने एक जनरल कपड़ा रख दिया जाएगा और एक तरह से रिबॉक या नाइकी का कपड़ा रख दिया जाएगा, किसे प्रेफर करोगे? प्रेफर करोगे ना, ऑब्वियसली ब्रांड को प्रेफर करोगे। क्यों? उसका तो कोई मालिक आपके पास आया नहीं बोलने के लिए कि भैया आइए हमारा प्रोडक्ट आप लीजिए ना, ऐसा नहीं हुआ। बट क्यों? क्योंकि उसने कस्टमर को क्रिएट किया है उस कंपनी ने, उसका ब्रांड नेम है, तब जाकर के आज वो कंपनी अपने नाम के साथ ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं हम लोग, सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो प्रॉफिट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, बट सिर्फ वही एक पार्ट नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ही ऐसा होगा ना। प्रॉफिट करना जरूरी है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये सारे काम हो नहीं पाएंगे। बट अब उसके साथ क्या क्या जरूरी है वो हम लोग देखेंगे। बट रीजनेबल प्रॉफिट अभी समझो कि जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे वो रीजनेबल हो, वो किसी भी कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये कंपनी ज्यादा चार्ज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है भैया? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अपने बारे में, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने सोच लिया, बट आप किस जगह में स्टैंड कर रहे हो ये सोचना पड़ेगा। आप जिस जगह में अपने बिजनेस को रन कर रहे हो वो किसी ना किसी सोसाइटी में बिलोंग करता है, वो कहीं ना कहीं तो है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, तो उनको लेकर के भी कुछ सोचना पड़ता है हर एक बिजनेस को, क्योंकि मार्केट में बने रहना है, ठीक है। अपने बारे में बिजनेस से सोचा, अपने बारे में जब अच्छे तरीके से सोच लिया, सर्वाइव कर लिया मार्केट में, प्रॉफिट अर्न कर रही है, रीजनेबल प्रॉफिट, देन ग्रोथ अगर कर रही है, तो भैया अब सोचना पड़ेगा सोसाइटी के भी बारे में। और ये पहले वॉलंटरी था, बट अब ये मैंडेटरी हो गया है। कैसे होगा बता देते हैं। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? अब के एनवायरमेंट में जो कस्टमर हो गई है ना, वो काफी क्या बोले तो अवेयर हो गई है। प्रोडक्ट रिलेटेड बात करें तो वो चाहती है कि जो भी चीज हो, अगर बोले तो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, तो वो चाहती है कि एक अच्छा क्वालिटी का हो। देन अगर मान लो गैस की बात करो, और भी जैसे मान लो कुकिंग की बात करो, तो उसमें वो क्या चाहती है कि जो भी प्रोडक्ट ले वो सेफली हो, ये सारे चीजें। अब खाने पीने की बात कर ले तो वो हाइजीन हो, तो ये सारे कस्टमर, अब के कस्टमर काफी अवेयर हो चुके हैं इन सारे रिलेटेड मैटर्स को लेकर के, क्लियर है। तो क्या होगा, अब जो है, अब ये जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया कि कस्टमर को एक जो क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, तभी मार्केट में स्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिल्कुल, कस्टमर हो गया है सियाना, अब कस्टमर को देखने के लिए अब आप ये नहीं कर सकते, आप कोई बिजनेस ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, ओवरचार्जिंग नहीं कर सकता। अगर वो होर्डिंग मतलब जमाखोरी करता है तो ये नहीं कर सकता, ये एक लीगल ऑफेंस है। ये सारे चीजें नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में आप हो, सोसाइटी में आप ये सब चीज नहीं कर सकते, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल अटमोस्ट फैक्टर है अपने बिजनेस को किसी भी सोसाइटी में बड़ा करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, उस सोसाइटी के बारे में, उस सोसाइटी के पीपल के बारे में, उसके फैमिली को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा।
कैसे सोचना पड़ेगा आपको इंप्लॉयमेंट, जब आप अगर बिजनेस ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है आपका बिजनेस, तो इंप्लॉयमेंट जनरेट करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो सीधी सी बात है, बिजनेस बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, और बिजनेस अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव तो पूरा करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट सोशल सर्विस, ये अभी अब का जो टर्म है CSR, ये टर्म आ गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक लॉफुल एक्टिविटी है जिसके अंदर आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो एक लिमिटेड टर्नओवर के बाद जितना कुछ परसेंटेज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने लगाना होगा। पहले ये वॉलंटरी था, जिसको जो इच्छा होता था उस हिसाब से समाज सेवा किया करते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब आपको करना ही पड़ेगा अगर आप एक टर्नओवर को क्रॉस करते हो तो। ठीक है, तो सोशल सर्विस हो गया, जैसे एनजीओ, बहुत सारे जो बिजनेस फर्म्स है वो एनजीओ से एसोसिएटेड रहते हैं, वो दान देते हैं, ये बहुत सारे जो सोशल एक्टिविटीज है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, और होना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, फिर वही बात, अगर आप सोसाइटी में हो तो सोसाइटी के एनवायरमेंट फैक्टर्स भी होते हैं। अब एनवायरमेंट में पोल्यूशन एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे जो भी मतलब आपके जो वेस्टेज है, जो आपके बाय प्रोडक्ट्स होंगे आपके इंडस्ट्रीज के, आपके फर्म्स के, उसे ऐसे जगह में डिस्कार्ड करना है जिससे कोई हार्मफुल एक्टिविटी ना हो, कोई हार्म किसी का ना हो। और अगर आप चिमनीज लगाते हो तो देखना, जो चिमनीज जो बड़े बड़े होते हैं वो एक लेवल को क्रॉस करने के बाद ही बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वो ऊपर ऊपर से पार हो जाता है। तो ये सारे क्या है, ये इसी के है, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन एक बिजनेस एनवायरमेंट, मतलब एक बिजनेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जो टेक्निकली टर्म में बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट बात जो है, वो जो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो है ह्यूमन और इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, हमने सोसाइटी के बारे में देख लिया, हमने बिजनेस के बारे में देख लिया, बट बिजनेस का मेन जो ब्लड है वो कौन है, वो बिजनेस को खड़ा रखने वाला कौन है, बिजनेस से एसोसिएटेड एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज आपके बिजनेस में है तो उसको खुश रखना, मतलब बोले तो सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है, उसे एक कंजीनियल एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है। कंजीनियल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, उसे वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो आओ देखते हैं क्या क्या। सबसे पहला प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल जो वर्किंग कंडीशन होगा वो अच्छा होना चाहिए, जैसे कॉम्पिटेटिव हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे वो फील होना चाहिए कि नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है वो खुश है। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी। कोई किस लिए काम करता है, ऑब्वियसली पैसा अर्न करने के लिए, वेजेस एंड सैलरी अर्न करने के, रेम्यूनरेशन अर्न करने के लिए, क्योंकि वो मेहनत करता है तो उसके बदले कुछ एक्सपेक्ट करता है या करती है। ठीक है, तो अगर उसे कॉम्पिटिटिव या सेटिस्फैक्टरी सैलरी या वेजेस नहीं मिलेगा तो वो क्यों काम करेगा, है ना। तो सब कुछ होने के बाद, सारा चीज देखने के बाद, हमें एज अ बिजनेसमैन ये भी सोचना पड़ेगा कि अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को वो कॉम्पिटिटिव सैलरी, वो सेटिस्फैक्टरी सैलरी प्रोवाइड करें, कि वो इन फ्यूचर और मेहनत करे अपने कंपनी को लेकर के। क्लियर है। देन नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, समय समय पर एजुकेशन होना, ट्रेनिंग होना, एम्प्लॉई को कराना, मतलब ट्रेन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है या हमेशा डायनेमिक नेचर की होती है, हमेशा चेंजेस इन होते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमेशा दिन ब दिन ये टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, तो अपने एम्प्लॉईज को अवेयर रखना बहुत जरूरी है, और उसको डेवलपमेंट करना, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराना बहुत जरूरी है। इसलिए ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या बोले तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में चले आते हैं। नेक्स्ट पीयर रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है हर एक एम्प्लॉई को वो इनिशिएट करने का मौका दिया जाना, उसे भी अपने तरीके से सोचने का मौका दिया जाना। पीयर रिकॉग्निशन, इनिशिएट करना, कोई भी काम की शुरुआत करना, ये बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉई को बूस्टअप, उसके मोरालिटी को बूस्टअप करने के लिए, उसमें सेल्फ एस्टीम, उसके जो अंदर की जो एस्टीम है उसे बोले तो क्या बोले, बर्न करने के लिए, जलाने के लिए अंदर आग होना चाहिए। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्पेशल बेनिफिट। अब देखो, जैसे कोई भी एम्प्लॉई काम करता है उसके फैमिलीज होते हैं, तो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस तक ही, सिर्फ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक ही सीमित नहीं होती, उसके फैमिलीज के टूवर्ड्स भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो सेल की बात करते हैं, SAIL,
वो अपने इम्प्लॉयज के लिए मेडिकल फैसिलिटीज देती हैं, मतलब उनके फैमिली के लिए भी, उसके बाद एजुकेशन फैसिलिटीज देते हैं। तो बहुत सारे पर्क्स हैं जो इम्प्लॉयज को दी जाती है, तब अल्टीमेटली इम्प्लॉय जो है वो खुश रहते हैं, वो सेटिस्फाइड रहते हैं। फिर अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये तुम्हारा ब्रांड बिल्डिंग करेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि मेन ऑब्जेक्टिव तो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बट ये सारे ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। अल्टीमेटली यही तो है कि कंपेटिटिव मार्केट में अपने आप को टिकना है और ग्रोथ भी करते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं ये सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, एंड अप विद दिस टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।